Hello ji, welcome to myself, my fitness. I'm Ravi Sapra and this is day 5 of lockdown. और मैंने बीच में एक स्किप कर दिया बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी हमारी मसल्स ज़्यादा ब्रेक होती है और हमारी बॉडी को हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है. तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहें ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिले और हम लगातार एक्सरसाइज करते रहें. ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही हैं और फिर हम वर्कआउट करना बंद ही कर दें बिल्कुल. तो इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें. उसके अलावा लॉकडाउन में बड़े अच्छा मेरे को रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है. एयर क्वालिटी इतनी साफ़ हो गई है, लोग इतने सुधर गए हैं एक तरह से कि प्रॉपर क्यू बना के जब हम माँ सामान लेने जाते हैं तो कभी भी कोई क्यू नहीं लगाता था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के हमेशा आते रहते थे. बट अब प्रॉपर क्यू लगा रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग कर रहे हैं. उसके अलावा एयर क्वालिटी इतनी साफ़ हो रही है, पॉल्यूशन कम है. तो अब आज तो हल्की बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में बैठा हुआ हूँ मैं और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठ के. तो आज जब मैं छत पे गया तो बारिश हो रही थी तो छत पे तो वर्कआउट कर नहीं सकता था. तो मैंने सोचा फिर आज क्या करूँ, तो फिर मैं अभी बालकनी में आ गया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए. और इससे एक चीज़ और देखने में मिलती है कि अगर हमारे पास जगह कम हो, जगह कंस्ट्रेंट हो और तभी हम वर्कआउट करना चाहते हो तो हम थोड़ी सी जगह में भी कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊँगा. तो उसके लिए आज मैं अपना स्टेपर निकाल के लाया हूँ. अगर आपके पास स्टेपर ना भी हो तो आप किसी घर में चौकी हो, स्टूल हो, तो उसको भी एज अ स्टेपर बना के उसमें वर्कआउट कर सकते हैं. वर्कआउट शुरू करने के लिए हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, पहले वार्म अप, देन स्ट्रेचिंग, देन हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो ये थी मेरी आज की 5 बेसिक एक्सरसाइजेस. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी.